होली का त्यौहार हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहारों में से एक माना जाता है। इस समय होली का पवित्र त्यौहार पूरी देश और दुनिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज एलनाबाद शहर के रामलीला मैदान में भी होलिका दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत मैदान पर बड़ी सी होलिका और भक्त प्रह्लाद का प्रतीक स्वरूप बनाया गया, जिसका यहाँ के सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने दिन भर पूजा अर्चन किया। आयोजन स्थल पर छोटी बड़ी कई दुकानें लगी थी, जिससे यहाँ मेले का माहौल बन गया था। पवन कुमार की नाचने वाली घोड़ी का नृत्य देखने लायक था। शाम होते ही विद्वान पंडितों ने होलिका प्रह्लाद के स्वरूप पर भगवान विष्णु का पूजन अर्चन किया और एक तय मुहूर्त पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में होलिका का दहन किया गया। होलिका दहन के बाद लोगों ने भक्त प्रह्लाद के प्रतीक स्वरूप को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया और उसके बाद लोग होलिका की राख को अपने अपने घरों में लेकर गए। लोगों के अनुसार इस राख के घर ले जाने से बुरी शक्तियों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आयोजन स्थल पर पवन कुमार की नाचने वाली घोड़ी के साथ साथ श्री श्याम डफ कला मंडल के कलाकारों ने डफ पर धमाल नृत्य किया, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो उठे। दोस्तों, बताया जाता है कि राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन राजा हिरण्यकश्यप प्रह्लाद की विष्णु भक्ति से खुश नहीं रहता था, इसलिए उसने प्रह्लाद को जान से मारने का निर्णय लिया। यह कार्य उसने अपनी बहन होलिका को सौंपा, क्योंकि होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती। इसलिए होलिका अपने भतीजे भक्त प्रह्लाद को अपनी गोद में बैठाकर अग्नि में बैठ गई। होलिका को पूरा विश्वास था कि इस अग्नि में वे बच जाएगी और उसकी गोद में बैठा बालक प्रह्लाद जलकर भस्म हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ और ही जो ईश्वर को मंजूर था। इस भीषण अग्नि में भगवान विष्णु का भक्त बालक प्रह्लाद चमत्कारिक रूप से बच गया और राक्षस राज हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आग में धू धू कर जल उठी, जिस पर लोगों ने खुशी व्यक्त की और इसके अगले दिन रंग गुलाल खेलकर भक्त प्रह्लाद की लंबी आयु की कामना की। तभी से ये त्यौहार मनाया जाता है। आज होलिका दहन है, इस पे हम होलिका त्यौहार मनाने आए हैं, जिसमें बुराई को हरा कर अच्छाई की जीत हुई थी। और इस होली का मतलब, असली मतलब है पवित्रता, मन को पवित्र रखना, सबके साथ खुशियाँ मनाना, खुशियाँ बटोरना और हर एक को खुश रखना। धन्यवाद। आज का जो त्यौहार है, इस पे ये जो पूजन आपने किया है, इसका मकसद क्या है? घर में सुख शांति आए, जिससे अपने हिंदू समाज है, इसका बहुत बढ़िया त्यौहार, मेल मिलाप का और बढ़िया त्यौहार है, सबसे बढ़िया। आप बताइए, आपने जो होलिका का पूजन किया है, इसमें आपने क्या मांगा? इसमें हमने मांग की है घर में खुशियाँ आए, घर में सुख शांति बनी रहे, सभी प्रेम से मिलजुल कर रहे हैं,
ये मांग है। शहरवासियों को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। आज हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो परंपरा है वो होली दहन का कार्यक्रम है। इसमें क्या है कि जब हिरण्यकश्यप का राज था तो प्रहलाद सनातनी था और हिरण्यकश्यप राक्षस प्रवृत्ति का था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने के लिए गांव में एक ढिंढोरा पिटवा दिया, मनियादी करवा दी, भी सभी अपने घर से गोबर के उपले बना करके लेके आएंगे, प्रहलाद को जलाया जाएगा, क्योंकि प्रहलाद की बुआ होलिका को वरदान था कि उसको अग्नि जला नहीं पाती, उसको एक चुंदड़ी मिली हुई थी जिसके कारण वो जलती नहीं थी। लोगों ने क्या किया कि राक्षस के डर से उपले तो बनाए लेकिन उसमें चांद सूरज इस तरह के बनाए, उनको रोली और मेहंदी से पूजन किया गया और परमात्मा से मनी मनी ये दुआ की गई कि हे परमात्मा अगर आप कहीं हैं तो प्रहलाद को बचाइएगा। शाम को जब प्रहलाद को जलाने के लिए सारा गांव इकट्ठा हुआ, जैसे आज इकट्ठा हुए हैं, तो उन्होंने अपने घर में बनाए हुए गोबर के जो सामग्री थी, कहने को तो उपले थे लेकिन उसमें चांद और सूरज भी थे, वो चढ़ाए गए। रात को होलिका दहन हुआ, परमात्मा की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद बच गई। उसी कारण अगले दिन लोगों ने, जिन औरतों ने शाम को पूजन किया था, वो होलिका दहन की राख लेकर के गई कि हम गौरी पूजा करेंगे, तो कल से गणगौर उत्सव भी शुरू हो जाता है। और लोगों ने, जो हम फाग मनाते हैं, धुरंडी मनाते हैं, रंग खेलते हैं, प्रहलाद बच गए, इस खुशी में रंग खेला और होली मनाई। तो मैं आपके कैमरे के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा, समाज को भी होली उत्सव की सभी को शुभकामनाएं। कोरोना वायरस चल रहा है इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सभी अपने अपने घरों में प्रेम से होली उत्सव मनाएं, शहर में ना निकले, ज़रूरी काम हो तो ही मास्क लगा करके निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जय श्री राम। आज ये जो होलिका का त्यौहार है, हम हिंदू लोग इसको होलिका के रूप में नहीं, होली के अंदर जो प्रहलाद है, जो कि भगवान विष्णु के भगत थे, उनके लिए हम इस त्यौहार को मनाते हैं। और इस त्यौहार को इसलिए भी मनाते हैं कि ये त्यौहार जो है, इस दिन क्या हुआ था, होलिका जो है अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई थी, वो इसलिए कि वो भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे और होलिका और उनका भाई हिरण्यकश्यप जो के भगवान के कट्टर विरोधी थे, भगवान को नहीं मानते थे, तो इस दिन होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि को अपने आप को समर्पित कर दिया था और होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, पर इस दिन प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठने के कारण होलिका तो जल गई और भगत प्रहलाद जो है बच गए। तो इसलिए आज हम इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं और भगवान से यही कामना करते हैं कि आने वाला साल हम सब भाइयों के लिए, सब देशवासियों के लिए अच्छा और समृद्ध और खुशहाली से बीते। जय श्री राम, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि होली का मतलब सिर्फ रंग खेल लेना, होलिका दहन कर लेना या एक दिन की छुट्टी मना लेना, ये होलिका नहीं है। हमारे पूर्वजों ने ये रीत बनाई है, इसलिए बनाई है कि आज का दिन हम सब के लिए एक मिलन का है। किसी से कोई रूठ गया तो आज के दिन हम जाकर उसके गले लगाएं और कहें भाई आज होली है, आओ पीछे के बैर भाव बुलाओ और आज होली के दिन मेरे गले लग जाओ। वो बहुत अच्छी बात है कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसी एक दिन निश्चित किया जिसके दिन आप देख रहे हो, जैसे अब थोड़ी ही देर में होलिका दहन होगा। ये एक धार्मिक रीति है, धार्मिक रिवाज है या धार्मिक संस्कार है हमारे हिंदुओं के, तो उसको हम मना रहे हैं। उसके बारे में आप सबको पता है कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को जलाने के लिए उसको अपने गोद में बिठा करके और अग्नि लगवाती है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, भगवान ने अपने भगत को बचाने के लिए होलिका को खुद को जला दिया और भगत को बचा लिया था। ये उसी दिन की परंपरा चल रही है, ये हिंदू धर्म तब तक जीवित है। हम सब लोग मिलकर के इसको मना रहे हैं और बहुत खुशी है कि आज तक, आज के चाहे वो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, लेडीज है, चाहे मेरी बहनें बच्चियाँ जो भी है, इसको बड़े उत्साह के साथ मनाती है और ये त्यौहार, ये रीति आज तक जीवित है। जय श्री राम।